उसका आउटर साइड और इनर साइड में बल्ब जो है वो कैसे काम करता है और फिलामेंट कैसे कनेक्ट होता है और मेटल टिप से कैसे कनेक्ट होता है ये हमने एक्टिविटी में स्टडी किया था और जो बल्ब है इलेक्ट्रिक सेल से कैसे कैसे कनेक्ट होता है और इसके लिए क्या क्या यूज होते हैं दो वायर यूज होती है और कैसे कैसे कनेक्शन होता है ट्वेल्व पॉइंट फाइव में हमने स्टडी किया था कि एक हमारा जो बल्ब है वो इलेक्ट्रिक सेल से कैसे कनेक्ट होता है ट्वेल्व पॉइंट फाइव फिगर में हमने स्टडी किया था और इसमें हमने ये देखा था कि हमारी जो ए अरेंजमेंट में और एफ अरेंजमेंट में ही बल्ब ग्लो होगा बाकी अरेंजमेंट में हमारा बल्ब ग्लो नहीं होता क्योंकि इसमें जो है हमारा कनेक्शन टूटा हुआ है बी में कनेक्शन टूटा हुआ है सी में भी कनेक्शन टूटा हुआ है ऊपर से डी में भी और इ e में भी जो हमारा कनेक्शन टूटा हुआ है ये ये किसकी वजह से क्यों टूटा हुआ है अगर ये जो हमारा कहीं से भी अगर बीच में कनेक्शन टूटा हुआ है बीच में से हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं मिल रहा है इसको तो ये जो हमारा इसको जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं मिल रहा है इसको कम्प्लीट होने में तो अगर ये जो हमारा ये अगर सर्किट कम्प्लीट नहीं होगा तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा तो कह रहे कि अगर बल्ब ग्लो होना है बल्ब ग्लो करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक सर्किट को कम्प्लीट करना पड़ेगा उसके बाद हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक सर्किट इन एक्टिविटी टू यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू अदर टर्मिनल थ्रू वायर्स पासिंग टू एंड फॉर्म द इलेक्ट्रिक बल्ब कह रहे इलेक्ट्रिक एक्टिविटी टू में हमने यू कनेक्टेड वन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एक टर्मिनल जो है इलेक्ट्रिक सेल का जो है दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया था वायर्स के थ्रू पासिंग टू एंड फ्लो थ्रू इलेक्ट्रिक बल्ब बल्ब के थ्रू जो कनेक्ट किया था 12.6 फिगर में नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर 12.5 ए एंड एफ द टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट अगर जो है हमारा जैसे 12.5 ए और एफ में जो दो टर्मिनल है इलेक्ट्रिक सेल के वो दो टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं इस इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड पास फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिटवीन टू टर्मिनल द इलेक्ट्रिक सेल द बल्ब ओनली वेन द करंट फ्लोज थ्रू द सेल के जो इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें पास होगी दो टर्मिनल में बल्ब तभी ग्लो होगा जब करंट पास सर्किट जब इसके अंदर करंट पास होगा जो ट्वेल्व पॉइंट सिक्स फिगर में दिखा हुआ है कि एक सेल दिखाया हुआ है सेल के दो टर्मिनल हैं एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला और ये वायर से कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब बनाता है नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर 12.5 ए एंड एफ द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब सच एन अरेंजमेंट एन एग्जाम्पल ये जो किसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जाम्पल है

इलेक्ट्रिक सर्किट में जो डायरेक्शन है करंट की वो जो है इज टेकन फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल पॉजिटिव से जो नेगेटिव टर्मिनल तक ली हुई है व्हेन द द टर्मिनल्स ऑफ बल्ब आर कनेक्टेड विद दैट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल बाय बाय वायर्स द करंट पास ऑफ द बल्ब दिस मेक्स द बल्ब ग्लो जो ये हमारा अगर कह रहे इलेक्ट्रिक सर्किट में जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक लेंगे

बल्ब हैज फ्यूज इससे ये क्यों होता है बल्ब है तभी ऐसी लुक एट अ फ्यूज बल्ब केयरफुली इज अ फिलेंट इन साइड इट इंटेक्ट क्या इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मेनी रीजन जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब मीन पास नॉट लाइट अब वेन पास इज इन द फिल्मेंट कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई द बल्ब डिट लो वेजमेंट पॉइंट फाइव बी सी डी ई जो बी सी डी फिगर में दिखाया हुआ कह रहे कि बल्ब क्यों नहीं ग्लो रहा क्या हम इसका रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप एन इलेक्ट्रिक सेल वुड यू लाइक टू मेक अ टोर्च फॉर यूर कह रहे हम हमें पता लग गया कि बल्ब को ग्लो कराने के लिए हमें उसको इलेक्ट्रिक सेल से कैसे कनेक्ट करना है और टोर्च कैसे बनानी है वो हम आगे सीखेंगे तो कह रहे कि अब इसमें हमने क्या पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है अगर इलेक्ट्रिक सेल को अगर हम बल्ब से वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं तो जो सर्किट बनता है वो हमारा क्या बनता है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या लेकिन इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल्स को वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक बल्ब से कनेक्ट किया था और हमने देखा द टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब सच एन इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ये किसके एग्जांपल है जो 12.6 इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जांपल है जहां इलेक्ट्रिक सेल वायर के थ्रू बल्ब से कनेक्ट है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू पास कह रही जो हमारी जो इलेक्ट्रिक सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है बल्ब में जो हमें पास प्रोवाइड करा रहा है ये इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड करा रहा है और बल्ब तब ग्लो होगा जब इसमें से करंट फ्लो करेगा जब सर्किट में करंट फ्लो करेगा तब भी बल्ब होगा इन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ टेकन टू बी फॉर्म द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एज शोन इन 12.6 व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद दैट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर द करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब दिस मेक्स द बल्ब ग्लो और ये जो बल्ब को ग्लो कराएगा व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड कह रहे कि अगर जो हमारा जो टर्मिनल है बल्ब का वो इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट है बल्ब से वायर से द करंट पास द ऑफ द बल्ब जो करंट है वो फिल्मेंट में पास होगा दिस मेक्स द बल्ब ग्लो जो बल्ब को ग्लो कराएगा इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट की जो डायरेक्शन है इज टू बी फॉर्म द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनलैक्ट्रिक सेल एस फिगर टिक्स ट्वेल्व पॉइंट सिक्स फिगर में दिखाई है इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट when the 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 terminal of 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 bulb 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 are connected with that of electric cell by wires the current passes filament makes glow जो हमारा जो बल्ब है इलेक्ट्रिक से कनेक्ट होता है फिर भी वो जल नहीं रहा होता तो उसका इसका मतलब है वो फ्यूज हुआ है और फ्यूज बल्ब का मतलब क्या होता है फ्यूज बल्ब में जो एक filament है उसका अगर उसका फिलामेंट टूट जाता है तो वो हमारा जो खराब है, बोलते हैं जो जो है, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं वन रीजन फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज टू ब्रेक इन इट्स फिलामेंट या उसका फिलामेंट ब्रेक क्यों हुआ है अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब अ ब्रेक इन पाथ ऑफ द द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल

जो हमारे को पाथ नहीं मिल रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है इसकी वजह से जो है बल्ब ग्लो नहीं हो रहा नाउ वी नो दैट अब हमें पता कि किसी बल्ब को ग्लो कराने के लिए हमें उसको इलेक्ट्रिक सेल से कैसे कनेक्ट कराना है पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना पड़ता है तो अब हम आगे जो है टोर्च कैसे बनाने हैं तो हम आगे स्टडी करेंगे उसके बाद है एक्टिविटी थ्री होम मेड टोर्च हमें कैसे बनानी है टेक अ टोर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर

प्लास्टिक कवरिंग है ऊपर से उतारनी है रैप वन एंड ऑफ द वायर थ्रू द बेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब उसको एक जो एंड है उसको इलेक्ट्रिक बल्ब से कनेक्ट करना है वायर का फिक्स अदर एंड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल जो नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल है वो जो हमारा बेस होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है जो ऊपर वाली कैब ऊपर वाला होता है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है एक एंड और दूसरा एंड जो हमारा है हमारा बल्ब से कनेक्ट है Now bring the tip of the base of the bulb. That is the other terminal in the contact with the positive terminal of the cell. Does the bulb glow? Now move the bulb away from the terminal of the electric cell. Does the bulb remain lighted? Does the bulb remain lighted? Is this no similar to what you do when you switch your torch on on? When you switch your torch on or off. तो कह रहे कि हमने जो होम में टोर्च कैसे बनाई है एक हमने बल्ब लिया टोर्स बल्ब एक हमने वायर ली एक सेल लिया तो जो हमारे वायर ली उसकी प्लास्टिक कवरिंग ऊपर से उतारनी है एक एंड जो है नेगेटिव टर्मिनल सेल से कनेक्ट करना है और एक जो हमने uh, बल्ब से के बेस से कनेक्ट करना है नाउ ब्रिंग द टेप टिप द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज टर्मिनल द कांटेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल डज द बल्ब ग्लो क्या फिर भी बल्ब ग्लो करेगा नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल

तो कह रहे बल्ब ग्लो कराने के लिए जो हमारा कंप्लीट सर्किट होना चाहिए तो इसमें हमने देखना है ये कैसे कनेक्ट है ये ये ऊपर से ही दोनों कनेक्ट है तो इसमें जो है बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो जो 12.7 में जो होम मेड टोर्च है इसमें बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि इसको कंप्लीट अगर पास मिलेगा अगर दो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दोनों कनेक्टेड है तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा अदरवाइज बल्ब ग्लो नहीं करेगा और ट्वेल्व में हमने देख लिया की होम मेड टोर्च कैसे बनाते हैं उसके बाद है इलेक्ट्रिक स्विच इलेक्ट्रिक स्विच कैसे बनाते हैं और उसको ऑन और ऑफ प्युजन में कैसे करते हैं और उसके बाद कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं वो हम आज स्टडी करेंगे वी हैड एन अरेजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ अवर होम में टॉर्च बाई मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल दिस इज वार सिंपल स्विच बट नॉट वेरी इजी टू यूज वी कैन अनदर सिंपल एंड इजीएस्ट स्विच टू यूज इन अवर सर्किट हमने जो हम होम में टॉर्च बनाई तो क्या बाय मूविंग द बेस ऑफ तो द बल्ब अवे फ्रॉम द द दल्ब को जो है बेस से जो, बेस बेस से जो ऑफ द सेल से कभी लेके जा रहे हैं कभी हटा रहे हैं तो उसको ऑन और ऑफ कहते हैं तो लेकिन ये जो वो टिपिकल है तो टिपिकल स्विच है सिंपल तो स्विच बनाएंगे हम हम वो कैसे बनाएंगे एक्टिविटी फोर में देखते हैं हम वी कैन मेक अ स्विच यूजिंग टू ड्रॉइंग पिन दो ड्रॉइंग पिन लेनी है हमें और एक सेफ्टी पिन लेनी है टू वायर्स लेनी, लेनी है और स्मॉल शीट ऑफ थर्मा लेनी है और वुडन बोर्ड लेना है और एक लकड़ी का बोर्ड लेना है इंसर्ट अ ड्रॉइंग पिन इन टू द रिंग एट वन एंड वन एंड ऑफ इट ऑन दर्मा कोल शीट एड इन दिगर ट्वेल्व पॉइंट एट जैसे हमने ट्वेल्व पॉइंट एट में जैसे अरेंजमेंट दिखाई हुई है दो ड्रॉइंग पिन ली हुई है हमने जो हमारी दिखाई दे रही है इसमें दो ड्रॉइंग पिन है और एक सेफ्टी पिन है और दो वायर्स है

जो सेफ्टी पिन जो है इसको टच कर सके इस तरीके से कनेक्ट करना है द सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे वुड बी योर स्विच इन द इन दिस एक्टिविटी तो जो हमारा सेफ्टी पिन है वो स्विच का काम करेगा और उसको हमने सारो को ये इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब को ऐसे कनेक्ट करना है जैसे 12.9 फिगर में दिखाया हुआ है तो ये जो हमारा नीचे वाला 12.8 है वो हमारा इलेक्ट्रिक स्विच है और ऊपर वाला जो हमारा 12.9 दिखाया हुआ है इलेक्ट्रिक स्विच को हमने बल्ब और सेल से कनेक्ट किया हुआ है ट्वेल्व फिगर में

स्विच इज सेट टू बी ऑनरियलोन से अदर ड्रॉइंग पिन द सर्किट वॉज नॉट कम्प्लीट एड देयर वॉज द गैप बिटवीन द टू ड्रॉइंग पिन अगर दो ड्रॉइंग बीच में एक गैप है तो हमारा स्विच जो है हमारा ऑफ पोजिशन पे है द सर्किट वॉज नॉट कम्प्लीट एट देर वे गैप अगर जो बीच में गैप आ गया तो हमारा सर्किट हमारा कम्प्लीट नहीं होगा इन इन दिस केस द स्विच इज सेट टू बी ऑफ इसको बोलेंगे स्विच जो है ऑफ है अगर बीच में गैप है तो स्विच तो जो है एक ऐसा सिंपल डिवाइस है जो सर्किट को जो है क्या करता है आई दस ब्रेक द सर्किट और कम्प्लीट जो सर्किट को ब्रेक करता है या कम्पलीट करता है द स्विच यूज इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अदर डिज इन होमवर्क

और बल्ब तभी ग्लो करेगा जब इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो होता जाएगा और समटाइम्स इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इट इज कनेक्टेड टू द सेल सेल्स मे द बल्ब हैज फ्यूज है अगर बल्ब जो है फ्यूज हो जाएगा तब भी कई बार हमारा बल्ब नहीं चलता तो कई बार बल्ब सेल से कनेक्ट है फिर भी बल्ब नहीं चल रहा है वो फ्यूज है बल्ब फ्यूज होने का क्या मतलब है जो बल्ब का जो अंदर वाला फिलामेंट है वो खराब हुआ हुआ है तो उसको बोलते हैं फ्यूज बल्ब देयर फॉर अ फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट एज नो करंट पासिस फिल्मेंट Filament में करंट नहीं पास होगा तो बल्ब जो है हमारा फ्यूज हो जाएगा कैन यू नाउ एक्सप्लेन कह रहे कि अब जो हमारा जो फिगर है बी सी डी ई में जो हमें क्यों नहीं हमारे दिखाई दे रहा बी सी डी ई में इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि जो हमारे को सर्किट को जो है पूरा पात नहीं मिल पा रहा इसलिए हमारे को जो है इसमें करंट नहीं पास हो रहा उसके बाद हमारा एक्टिविटी थ्री एक्टिविटी थ्री में क्या है टेक अ टोर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर अब इसको टोर्च बल्ब टोर्च कैसे बनानी है हमें एक टोर्च बल्ब लेना है एक पीस ऑफ वायर लेना है और वायर के जो हमारी जो एंड्स है उसकी प्लास्टिक कवरिंग उतारनी है उसके बाद फिक्स अदर एंड एक टर्मिनल जो है वायर का हमने जो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और दूसरा जो हमने जो का कनेक्ट करना है विद द रबर बैंड नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज अदर टर्मिनल इन द कॉन्टेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है

जो लाइट चलता रहेगा इज दिस सिमिलर टू व्हाट यू यू डू व्हेन स्विच टॉर्च ऑन और ऑफ तो हमने एक बार स्टडी कर लिया एक्टिविटी में टॉर्च कैसे बनानी है हमने एक सेल लिया एक वायरली वायर की हमने कटिंग की ऊपर से प्लास्टिक कवरिंग उतारी एक बल्ब लिया बल्ब को कनेक्ट किया एक टर्मिनल जो है बल्ब से एक सेल से कनेक्ट है नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज अ टर्मिनल इन कांटेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल

तो अगर बल्ब को हमने सेल के साथ लेके गए तो ऑन हो गया तो बल्ब को दूर लेके गए तो वो ऑफ हो गया तो ये होम मेड टोर्स बन गई हमारी पहली अनदर अरेंजमेंट सेल एंड द बल्ब विल द बल्ब ग्लो इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट फिर जो ये ऊपर वाली अरेंजमेंट दिखाई है की इसके इसमें भी हमारा बल्ब नजर बल्ब ग्लो होगा इसमें और 12.7 अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस है उसमें जो बल्ब ऊपर से दिखाई दे रहा है इसमें बल्ब को दो बल्ब से दोनों टर्मिनल इकट्ठे कनेक्ट हुए हैं

और और का 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 करके 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 तो उसके लिए क्या किया इन्होंने रिंग एट द एंड ऑफ द सेफ्टी पिन अब क्या करना है यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग टू ड्रॉइंग पिन हमने क्या करना है स्विच कैन मेक अ स्विच स्विच बना सकते हैं यूजिंग टू ड्रॉइंग पिन दो ड्रॉइंग पिन का यूज करके दो वायर का यूज करके और स्मॉलोल का और वुडन बोर्ड का यूज करके इन सर्ट इनोलटर मेक द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड इजली से रोटेट कर सके इजिली ना फिक्स द्रॉइंग पिन ऑन दर्माकोल शीट इन दैट दी एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट तो ये स्विच ऑन हो जाएगा सर्किट कम्प्लीट हो जाएगा अगर जो हमारा ये सेफ्टी पिन है इसको हम बाहर ही रखेंगे वो टच नहीं है दूसरी पिन के साथ ये हमारा ओपोजिशन होगा अगर ये सेफ्टी पिन जो है दो हमारी पिन के साथ कनेक्ट हो जाएगा दोनों के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा इसको करेंगे स्विच ऑन नाउ मेक अ इलेक्ट्रिक सर्किट अब एक सर्किट बनाना है हमें बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल बल्ब एज शोन इन द फिगर 12.9 रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड द अदर ड्राइंग पिन नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो कि अगर जो हमारा पिन है पिन अगर दूसरी ड्राइंग पिन से कनेक्ट है जो सेफ्टी पिन है ड्राइंग पिन से कनेक्ट है तो बल्ब लो होगा अगर जो ड्राइंग पिन हमारा बाहर है कनेक्ट नहीं है दूसरी ड्राइंग पिन से तो हमारा बल्ब लो नहीं होगा तो इट मीन जो है हमारा जो बल्ब है जो ए, स्विच जो है पहले वाले कंडीशन में हमारा जो अगर जो सेफ्टी पिन बाहर है तो ऑफ पोजिशन में है अगर सेफ्टी पिन जो है ड्रॉइंग पिन से कनेक्ट है तो ऑन पोजिशन में है स्विच ऑन होगा तो बल्ब लो होगा और स्विच ऑफ होगा तो बल्ब लो नहीं होगा Since the material of the safety pin allows the current to pass through it, the circuit was a complete. On the other hand, the bulb did not glow when the safety pin was not in touch with the other drawing pin. The circuit was not complete as there was a gap between the drawing pin. In this position, the uh, switch is said to be off. or simple switch is a device. Hai. जो सर्किट को कंप्लीट सर्किट स्विच इज सिंपल डिवाइस दट आई ब्रेक सर्किट और कंप्लीट रिट्स स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट को ब्रेक करती है या उसको कंप्लीट करती है द स्विच यूज इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अदर डिवाइसेस इन होम वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल थ्रू देयर डिजाइन आर मोर कॉम्प्लेक्स कम्पलेक्स स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट को ब्रेक करती है और कंप्लीट रिट्स या वो उसको कंप्लीट करती है या ऑन करती है या ऑफ करती है

तो जिस मेटीरियल में से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होता है वो हमारा कंडक्टर होता है और जिसमें जिस मेटीरियल जिस में से हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता वो उसको हम बोलते हैं इंस्टुलेटर्स तो एक्टिविटी करते हैं हम इसको

यू कैन नाउ यूज दिसमेंट टू टेस्ट कोई भी अगर किसी मटीरियल को अगर हमें चेक करना है, कि वो है, ये है तो हम चेक कर सकते हैं अगर मान लो मेटल तो बल्ब लो हो जाएगा इट मीनस वो वो जो हमारा कंडक्टर है अगर रबड़ बैंड लगा देंगे इन दोनों के बीच में तो बल्ब ग्लो नहीं होगा तो इट मीन्स वो इंसुलेटर है तो हमारा जो ये किस लिए कंडक्शन टेस्टर है ये चेक करेगा की बल्ब लो होगा नहीं होगा अगर बल्ब लो होगा तो वो क्या क्या होगा जो अगर नहीं होगा होगा कंडक्टर अगर जो नहीं तो हमारा क्या होगा? वो और चेक करना है इसको हमने टेस्टर के अंदर अगर बल्ब लो कर रहा है तो हमारा जो हमारे बोलेंगे कंडक्टर अगर बल्ब लो नहीं कर रहा है तो हमारा होगा वो इंसुलेटर्स जैसे की है

और जिसमें से करंट पास नहीं होगा उसको बोलेंगे इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम विद द हेल्प ऑफ 12.1 टेबल 12.1 नेम द मटेरियल द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो दोस वी चार इंसुलेटर्स के टेबल में जो हमने कंडक्टर इंसुलेटर्स हैं उसके तीन कंडक्टर्स और तीन इंसुलेटर्स के नाम लिखने हैं व्हाट डू यू कंक्लूड व्हिच मटेरियल्स आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स recall the object that are grouped in having luster in chapter 1 are the conductors keh rahe ki jo humne dekha tha chapter 4 mein padha tha ki jisme shining hoti hai wo conductors hote hain it now seems easy to understand why copper aluminum and other metal are used for making wires अब हमें समझ आता है कि copper, एल्युमिनियम और जो तो दूसरे मेटल है वो वायर बनाने में क्यों यूज होते हैं वायर तब बनाने में मतलब तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना है अब इलेक्ट्रिक करंट पास तभी होगा जब उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी और वो जब वो कब होगा तब वो जब कंडक्टर होगा तो कॉपर एल्युमिनियम और जो अदर मेटल है कंडक्टर्स हैं इस वजह से जो ये है वायर बनाने में यूज होती है लेटस रिकॉल एक्टिविटी फोर इन विच वी मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ स्विच व्हेन द स्विच वॉज इन ओपन पोजिशन वेन द टू ड्रॉइंग पिन आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर टू दर्माकोल शीट बट थर्माकोल मे यू है What about the 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 air air between the gap? Since the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pin, it's your switch. It means that air is also an insulator. तो so, हमने कह रही पढ़ी थी फोर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था हमने स्विच का स्विच बना, बनाया था हमने एक बार ओपन पोजिशन पे किया था ड्रॉइंग पिन यूज करके the two टू pin पिन not कनेक्टेड विद ईच अदर जब दो drawing पिन जो कनेक्ट नहीं थी और जो सेफ्टी पिन थे बट थर्मा फाउंड इंसुलेटर जो थर्माकोल थी वो इंसुलेटर थी तो जो कह रहे थे उसके गैप के बीच में क्या तो कह रहे कि बल्ब सिर्फ ग्लो नहीं करता तो मतलब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा कि बीच में एयर है अब जो हमारा अगर ये सर्किट बनाया था हमने पीछे वाला नीचे हमने ये ऊपर वाला सर्किट ये बनाया था इसमें ये ट्वेल्व पॉइंट नाइन में दिखाया था तो ये जो हमारी जो सेफ्टी पिन से कनेक्ट नहीं है लेकिन बीच में एयर तो है एयर है फिर भी वो बल्ब लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब एयर क्या है हमारा इंसुलेटर है तो हमारा एयर क्या हमारा है हमारा इंसुलेटर है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस कहते हैं कंडक्टर इंसुलेटर जो है हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है स्विच इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक्स सर्केश सारे कंडक्टर्स हैं जो रबड़ प्लास्टिक हैं वो इलेक्ट्रिक वायर में भी यूज होती हैं स्विचेस बनाने में यूज होती हैं तो कह रहे कि जो हमारे जितने कंडक्टर यूजफुल है उतने ही हमारे इंसुलेटर भी यूजफुल है योर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयर फॉर विल बी केयरफुल वेन यूर हैंडल एंड इलेक्ट्रिक अप्लाइंसिस जो हमारी बॉडी भी जो है इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है तो अगर हमें किसी भी चीज को अगर जलाना है तो ये भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है तो इसमें हमने क्या पढ़ा टेबल ट्वेल्व पॉइंट वन में हमने कंडक्टर इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा कि इरेजर स्केल मैस्टिक ग्लास बेंगल आयरन नेल ये जो मेटीरियल है हमारे मेटल रबर प्लास्टिक वुड ग्लास मेटल ये बल्ब इसमें ग्लो करेगा नहीं करेगा हमने ये देखेंगे तो हमने इससे पहले हमने एक इलेक्ट्रिक जो टोर्च है इसका हमने फिगर जो है बनाना है अपनी नोटबुक में कि ऊपर वाला जो बल्ब होता है और एक रिफ्लेक्टर होता है और बाहर वाले जो कवरिंग है वो प्लास्टिक केजिंग होती है और एक स्लाइड स्विच होता है और दो सेल होते हैं दो सेल बना बनाते हैं पहले एक पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव और बाहर एक बल्ब होता है फिर रिफ्लेक्टर होता है प्लास्टिक एजिंग होती है बाहर बाहर और सबसे एक स्लाइड स्लाइड स्विच ये ट्वेल्व पॉइंट इलेवन हमने जो है ये इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना है और इससे पहले जो हमने आज स्टडी किया है इसको एक रिवाइज करते हैं हम एक बार हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट पहले कैसे पास होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल जो सेल है सेल की जो ऊपर वाली कैप है वो पॉजिटिव टर्मिनल है जो नीचे वाला बेस है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव से नेगेटिव जो है करंट पास होता है फिर बल्ब बल जो है तभी ग्लो करता है जब उसके अंदर जो है करंट पास होता है तो कह रहे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो बल्ब आर कनेक्टेड विद ऑफ इलेक्ट्रिक सेल द बल्ब ग्लो जो बल्ब को जो क्या करता है ग्लो करके रखता है कई बार फिर भी बल्ब जो है सेल से कनेक्ट होता है फिर भी जलता नहीं है <coughs> बुझ जाता है इसका मतलब, तो इसका मतलब है कि बल्ब जो है फ्यूज हुआ बल्ब फ्यूज का मतलब क्या है जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो खराब हो गया है तो इसको कहते हैं फ्यूज बल्ब एक्टिविटी थ्री में क्या हमारी होम मेड टोर्स कैसे बनाते हैं हम एक सेल लेते हैं और एक बल्ब लेते हैं और एक वायर लेते हैं वायर को कट करते हैं हम तो एक जो बेस है उसको हम सेल uh, से कनेक्ट कर देते हैं जो ऊपर वाले को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं हम सेल सेल से कनेक्ट कर देते हैं तो उसको कनेक्ट करने के बाद क्या करते हैं वन एंड ऑफ द द वायर अराउंड बेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फिगर फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल

जो बल्ब है बल्ब को सेल के ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा बल्ब को फिर उसके बाहर उसको ऊपर से हटा देंगे सेल से तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा तो ये हमारी इलेक्ट्रिक बन गई टन होमेड बोलते हैं जिसको और उसके बाद कह रहे कि हम एक सिंपल जो इसके अंदर स्विच बनाया हमने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अब एक स्विच बनाते हैं हम किसका ड्रॉइंग पिन का यूज करके और जो हमारी जो हमारे सेफ्टी पिन है उसको यूज करके और नीचे जो हमारा जो बेस में वुडन बोर्ड लगाएंगे और अगर हमारी 12.9 12.9 फिगर है उसको अगर हम हमारा जो स्विच है 12.9 फिगर में क्या करना है हमने दो जो हमारे दो मेटल दो मेटल के कैप लिए जो दो हमारे हमारे ड्राइंग पिन लिए उसको बीच में हमने किससे कनेक्ट कर दिया वायर से इस वायर से कनेक्ट कर दिया और ऊपर जो है ड्राइंग पिन से कनेक्ट कर दिया अगर ये जो बाहर कनेक्ट है 12 .9 जैसे कनेक्ट है तो हमारा स्विच ऑफ होगा और जो नीचे वाले जो हमारा अगर इसको पिन को हमने दूसरी पिन जो सेफ्टी पिन पिन को के साथ कनेक्ट कर देंगे जैसे ट्वेल्व पॉइंट टेन में दिखाया हुआ है तो ये स्विच जो हमारा ऑन पोजिशन में ही होगा तो स्विच ऑन और ऑफ हम कर सकते हैं बाई यूजिंग दिस स्विच और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में जिसमें से करंट पास हो जाता है जिन करंट में जिन मटेरियल में करंट पास हो जाता है वो कंडक्टर जिसमें से करंट पास नहीं होता वो हमारा क्या होता है इंसुलेटर्स तो जिसमें हमने को चेक करने के लिए हम एक अरेजमेंट करते हैं ट्वेल्व पॉइंट ट्वेल्व में तो अगर बल्ब लो हो जाता है सर्किट में कोई भी मटेरियल को टेस्ट करते हैं तो वो कंडक्टर होगा अगर जिसमें बल्ब लो नहीं होगा जिस सर्किट में तो वो हमारा क्या होगा वो इंसुलेटर होगा तो किसी भी चीज को चेक करना है तो फिगर ट्वेल्व पॉइंट ट्वेल्व ए में देखो और, और चेक करो कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है और इलेक्ट्रिक टोर्स का जो डायग्राम है हमने वो कहाँ बनाना है बनाना है और इसकी क्वेश्चन सेंड कर दी है किसी बच्चे को इस लेसन के बारे में कोई क्वेरी करनी हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है स्विच क्या होता है कंडक्टर इंसुलेटर्स के बारे में कोई भी क्वेरी करना हो तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड्स